सुख है पर दुख उतना ही बड़ा है, उतना है। और भगवान नारद जी को माता मैनावती कह रही है, बेटी को नहीं ब्याऊंगी, किस्मत में जो लिखा है वो होना है, भाग्य में जो लिखा है वो होगा, भले तुम्हें याद नहीं कि तुमने कर्म क्या करा था पर भोगना है, भोगना है। कोई तुम्हें 5 रुपए की चाय भी पिला दिया है, कितने रुपए की? 5 रुपए की, ये भी पुराना हिसाब है, कहीं तुम इसके खा पी गए होगे तो 5 रुपए का हिसाब लेने उज्जैन आ गए, पहचानते ना जानते एक ही कमरे में रहते तब प्रेम बढ़ गया, अपने पैसे से उसको चाय पिला, हिसाब हिसाब है ये पुराना पुराना। और ना तुम उसको पहचानती ना वो तुम्हें पहचानता, और एक कमरे में रह रहा है और 24 घंटे झगड़ा कर रहा है, ऐसी लड़ रहा जैसे सासों की तरह, तो ये भी हिसाब है, घर में चैन से रहे तो यहाँ झगड़ा, तो ये हिसाब, पुराने समय में तूने इसका जरूर कुछ बिगाड़ा होगा, तो इसने सोचा मिल उज्जैन, हिसाब वो तो बिल्कुल नक्की है, करना पड़ेगा, ठोकर भी लगे तो उसमें हिसाब है, भजन भी मिले तो उसमें हिसाब है, कर्म जरूर करिए। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कर्म अच्छा करते करते चलो, ये जन्म तो जैसा निकला निकल गया, पर भगवान से विनती करना आखिरी तक तेरा भजन करती रहूं तो अगला जन्म ना मिले, किसी को वापस पैदा होना हो तो हमको नहीं दिक्कत है कि आपका मन है आपकी चॉइस हो कि मैं तो फिर पैदा हूं, नहीं हो तो मर्जी तुम्हारी, अब की बार जगदम्बा मिली अगली बार चंद्र घंटा मिल जाएगी, इसमें का दिक्कत है, तो मन तुम्हारा है, तुम वापिस पैदा होना चाहो तुम्हारी मर्जी है, मुक्ति और मोक्ष में यही अंतर है, मुक्ति का मतलब है कि फिर जन्म हो जाना, और मोक्ष का मतलब है एक बार प्राण छोड़ गए दूसरी बार फिर नहीं आना, फिर नहीं। भगवान कृष्ण से कितना लोग विनती करें, भगवान अब तो द्वारका सुनी हो गई, ब्रज सुना हो गया, तुम वापिस आ जाओ वापिस आ जाओ, तो क्या भगवान आए? अरे बोलो नहीं, भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा, नीचे नहीं जाना मुझे, कोई राम जी से कहे तुम उतार ले लो वापिस आ जाओ, भगवान के नहीं आऊंगा, नहीं आ सकता। पार्वती मैया के लिए माता मैनावती उदास हो गई, और हिमालय राज कह रहे हैं क्यों घबराती है, जो भाग्य में होगा वो रहेगा, चाहे तुम कितना भी कुछ समझ लो कितना भी कुछ कर लो, तुम धन की अंबानियां भी अगर बेटियों के घर में लगा दो पर भाग्य में जो होगा उतना रहेगा, तुम बेटों को कितना भी सुख का अनुभव कर दो पर जो भाग्य में होगा वो होना है, जो ललाट पर लिखा है उसे कोई टाल कोई नहीं, ये तुम्हारे जो लाट पर लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता, हाँ इतना जरूर हो सकता है, किसी ने पूछा महाराज मंदिर में दर्शन करने से दुख कटता है, जम के बोलो कटता है कि नहीं कटता है, कटता है, कौन से पुराण में लिखा है, कौन सी पुराण में लिखा है कि मंदिर में दर्शन करने से दुख कटता है, तो फिर मंदिर में तो
अगर मात्र दर्शन करने से दुख कटता होता तो जिंदगी में ना जाने कितने लोग हैं उनका कब का कट गया होता। मंदिर में दर्शन करने से दुख कटे ये शास्त्र नहीं कहता, शास्त्र ये कहता है मंदिर में दर्शन करने से तेरा वैभव, तेरी समृद्धि, तेरी लक्ष्मी बढ़ती है, दुख काहे से कटेगा। तो स्कंद पुराण में लिखा है मंदिर में दर्शन से दुख नहीं कटता, भगवान का नाम जपने से, स्मरण से दुख का मरण होता है। कैसे होता है? जपने से, इस जिभ्या से जितना जपोगे, जितना तुम कथा सुन रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, इन इंद्रियों के द्वारा तुम जितना भगवत भजन को अंदर प्रवेश कराओगे, जितना प्रवेश कराओगे उतना मिलेगा। हर पल हर घड़ी उसको याद करते रहो, हर चीज में भोजन भी मिला, वारे द्वारकाधीश, वारे मेरे भोलेनाथ, क्या भोजन दिया तुमने, भगवान का हर पल हर घड़ी में अगर कुछ हुआ उसमें भी वारे भोलेनाथ बड़ी कृपा करी, तूने बड़ा बड़ा कृपालु है, तू बड़ा दयालु, बहुत कृपा। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा, धन्यवाद भोलेनाथ तेरी कृपा से मिला है जो कुछ मिला। हम तो कुछ बांध के भी नहीं लाए थे, बिल्कुल खाली हाथ आए थे, कोई फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन या घर या जमीन या जायदाद कुछ भी ऊपर से नहीं लाए थे, लाई थी ना। हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि तू हाथ भी पूरे दे देगा, आंख भी दे देगा, कान भी दे देगा, पाँव भी दे देगा, एक आध निपटा के भेज देता तो क्या कर। अरे बोलो, क्या झगड़ा करने जाते हैं उससे? एकाध हाथ पैर आंख कुछ भी निपटा देता तो क्या कर लेते? उसने पूरा शरीर दिया, उसने करुणा में कमी नहीं रखी, पर पात्रता में हमारे कमी है कि हम भजन नहीं कर पाते। अच्छे घर में पैदा करा, अच्छे कुल में भेजा, किसी भिखारी के घर में पैदा कर देते तो तीन बत्ती चौराहे पे भिखारी का कटोरा लेके खड़े रहते। भजन के लिए पैदा किया, उसको मालूम है ये मेरा है, अपना है, तो भगवान हिमालय राज करे। मीनावती तुम दुख क्यों कर रही हो? उसके ललाट पर जो लिखा है वो होना है, छोड़ो उसको, दे दिए उसको, तो किसको ब्याह? शिव को। अगर ये शंकर का भजन करे तो इसको शिव मिले, ठीक है। अब इसने पार्वती तो शंकर का भजन करने को तैयार हो गई, पर पार्वती जी की जो बड़ी बहन थी गंगा, उसने सुन लिया कि शंकर का भजन करेंगे तो शंकर मिलेंगे, तो इधर पार्वती शिव का भजन कर रही है, उधर गंगा शंकर का भजन कर रही है, दोनों भजन में लीन हो गई। एक दिन पार्वती बड़ी हो गई, उसको मालूम पड़ा कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर का भजन कर रही है शिव को अपना बनाने के लिए, और मैं भी शंकर का भजन कर रही हूँ शंकर को अपना बनाने के लिए, पर इससे गंगा से पार्वती सोच रही कि पीछा कैसे छोड़ा शिव का। तो पार्वती ने आज विचार करा, पीछा छोड़ना पड़ेगा, अपनी सहेली को बुलाकर कहा, अरे सुन तो, मैंने सुना है अगर कोई किसी संत पर एक लोटा पानी भरकर फेंक दे तो संत बड़े प्रसन्न होते हैं, मन चाह वर प्रदान कर देते हैं। गंगा ने कान लगाकर सुन लिया, गंगा ने सोचा मैं सबसे पहले संत पर पानी डाल दूंगी, संत प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे देंगे। गंगा जी ने एक लोटा पानी भरा, दुर्वासा बाबा जा रहे थे, लोटा भर के पानी फेंका दुर्वासा जी पर, दुर्वासा जी क्रोध में लाल हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, अरियो गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान करा है, गंगा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के वेग में बहेगी, तू नारी के शरीर को छोड़ देगी और पानी के वेग में बहेगी।
गंगा पानी के वेग में बहने लगी। गंगा की आंख में आंसू भर गए। गंगा ने हाथ में जल लिया। पार्वती को श्राप देने के लिए आतुर हो गई। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, गंगा तू पार्वती को श्राप मत दे, क्योंकि ये मेरी अर्धांगनी बनेगी और एक श्रापित नारी को मैं अर्धांगनी बनाऊं, ये श्रेष्ठ नहीं है। तो गंगा कहती, इसने मुझे पानी के वेग में बना बहा दिया, आप क्या करूं मैं, बताओ आप, ये मेरी बहन है, इसने मेरे साथ छल किया। भगवान कहते हैं, गंगा तू चिंता मत कर, मेरा विवाह पार्वती के साथ होगा, पर गंगा मेरे बच्चों का जन्म तेरे गंगा जल से होगा, मेरे बच्चों का जन्म तेरे गंगा जल से होगा। और शास्त्र उठाकर देखिए, भगवान के 11 बच्चे गंगा के जल से पैदा हुए हैं, 13 बच्चों में। शंकर जी के कितने बच्चे थे? 13। भगवान शंकर के 13 बच्चों में से 11 बच्चे गंगा के जल से हुए हैं। अभी आप आगे सुनेंगे कथा। मैं वचन देता हूं कि मेरे संतान तेरे जल से प्रकट होगी। और सुन गंगा, दुनिया में गौरी शंकर पार्वती शंकर लोग कहेंगे, पर तेरे तट पर आने के बाद लोग पार्वती को भूल जाएंगे, हर हर गंगे ही कहेंगे। हर हर गंगे तेरे तट पर आने के बाद तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा, तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा। दुनिया के लोग भले कुछ भी कहें, पर तेरा और मेरा संबंध रहेगा। दो हर हैं, कितने हर हैं? हर हर गंगे। एक हर माँ गंगा के स्वामी, दूसरा हर जो गंगा में स्नान कर रहा है उसके पूर्वजों को पार लगाने वाला शब्द है हर। दो हर आते हैं, हर हर गंगे, एक गंगा के स्वामी, दूसरा पार लगाने वाला। हमारे पूर्वजों को हर संबोधन से ही पार हो जाते हैं, हर संबोधन मिला और पार। हर हर गंगे, मां गंगा का स्मरण करने वाला। और पार्वती मैया जब बड़ी हो गई, विवाह पक्का हो गया, शिव जी दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी, हो ब्याह की तैयारी, कल अपने कथा में सुना था, हो तैयारी हुई, शंकर दूल्हा बनने के लिए तैयार। 14 तारीख की शादी थी, मान लो कि 14 तारीख की शादी, 18 तारीख हो गई तब भी बारात लेके नहीं गए। अब बताओ, टेंट वाला, साउंड वाला, सभी बैठे होंगे, ब्याह वाला, पंडित जी, भोजनशाला, भंडारी, इन सबका क्या हुआ होगा? 14 हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई, 25 हो गई, 26 हो गई, बरात ही नहीं आई। नारद जी को बुलाया, हिमालय राज ने, जरा देखो तो बरात क्यों नहीं ला रहे? तो नारद जी बोले, उनका कहीं ठिकाना, दादा वे तो आराम से चकाचक घोट के पड़ा। वो तो क्या, जब होश आएगा जब चल चलूंगा। तो क्या, बारात का क्या करूं? तो क्या, अब हम जा रहे हैं वापिस, बोलते हैं, फिर जाके विनती करी। भोलेनाथ जी से बोले, बाबा बारात कब ले जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अभी मेरा मुहूर्त नहीं हुआ। तो तुम्हारा मुहूर्त कब होगा? 14 तारीख का मुहूर्त इतने बड़े बड़े विद्वानों ने निकाला और तुम्हें 25 तारीख हो गई, मुहूर्त कब आएगा? तो शंकर भगवान बोले, मेरी मर्जी, मुहूर्त आएगा जब चल चलेंगे। तो मुहूर्त आएगा कब? जब आएगा चल चलेंगे। 28 तारीख हो गई साहब, अब बताओ। हिमालय राज ने तो कह दिया, बारात मरात नहीं आया, टेंटमेंट खोलो। इतने दिन तक इंतजार करें, आज की आने वाली बारात इतने दिन तक नहीं आए तो। अब बारात नहीं पहुंची, 25-26 तारीख हो गई, 27 तारीख के दिन, मान लो इतने दिन हो गए, अपन मान के चलो तारीख से, इतने दिन हो के फिर सामने से आवाज आई, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान उठक के नाचे, मेरा मुहूर्त हो गया। भगवान विष्णु माथा पकड़ के बैठे, बताओ मुर्दा निकल रहा, इनका मुहूर्त हो रहा, मेरा मुहूर्त हो रहा, मेरा मुहूर्त, चलो तैयारी करो। तो शंकर भगवान की बारात कब निकली थी? जब सामने से अर्थी आई थी। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, कोई शुभ कार्य करने के लिए जाओ, अच्छा कर्म करने के लिए जाओ, दुकान का मुहूर्त करने जाओ, मकान का मुहूर्त करने जाओ, बेटा बेटी का संबंध करने जाओ, सामने से अर्थी निकल कर जाए
तो समझ लेना ये काम सफल होगा। मुहूर्त अच्छा, मुहूर्त अच्छा है। जब स्वप्न में अर्थी दिखे तो समझ लो कहीं से खुशखबरी आने वाली है। मुर्दे दिखे तो समझ लो कोई अच्छा काम होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो, नहीं तो लोग इतने चतुर। उन्होंने कहा सीहोर वाला महाराज बोला है कि अर्थी दिखे तो मुहूर्त अच्छा हो, तो उन्होंने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाओ, रोज कब दिखेगा आता जाता अपना भला। इसका मतलब ये मुहूर्त चली बरात। दुनिया में केवल एक ही बारात थी जहां लोगों का एंड होता वहां से शुरू हो रही थी। कहां से? अरे बोलो जमके शमशान, वहां से चालू हो रही। नंदी पर बैठ कर चले, वो भी बूढ़ा नंदी। भगवान विष्णु बोल रहे चलो रथ पे बैठो, इंद्रदेव बोले मैं रथ लाया हूँ, अच्छा हीरा जड़ा उस पे बैठे, नहीं बैठू नंदी पे बैठू। नंदी पे बैठे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। तो इंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ जी से पूछा तुम्हारी शादी हो रही नंदी पे, तुम भी उल्टे क्यों बैठे हो? भगवान शंकर बोले हमारा ब्याह, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। औंधे बैठे नंदी पर भी ओंधे बैठे। सोचो आप कहीं की बारात निकली हो, घोड़ी पे दूल्हा बैठा हो, घोड़ी का मुंह इधर, दूल्हे का मुंह उधर, आराम से तलवार मरवा।